हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वाल्मीकि स्वागत करता हूँ आपका अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजिटिंग कार्ड के बारे में। विजिटिंग कार्ड तो आप सभी ने देखा होगा जो कि हमारे पास फिजिकली पड़ा होता है, लेकिन अभी गूगल ने एक ऐसा फीचर्स लॉन्च किया है जिसकी वजह से आप अपने नाम का मतलब कि आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो गूगल के ऊपर भी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना विजिटिंग कार्ड अपने नाम के साथ आप क्या करते हैं, आपके अबाउट सेक्शन में आपका जो ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, अलग अलग प्रकार के जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो सब की लिंक और एक बहुत ही बढ़िया विजिटिंग कार्ड आप अपने गूगल पे बना सकते हैं। और ये गूगल के ऊपर सेव हो जाएगा और बाद में कोई भी आपके नाम से जब उस गूगल पे सर्च करेगा तो आपको तो उस आदमी को आपका जो विजिटिंग कार्ड है जो कि आपने बनाया है वो सबसे पहले दिखेगा और वहाँ से वो आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है और आपके बारे में जान सकता है कि आप क्या करते हैं। ये फीचर्स अभी फ़िलहाल सिर्फ मोबाइल के लिए ही लॉन्च हुआ है, मतलब कि जो एंड्रॉयड डिवाइस हो गए हैं, आईपैड हो गया है, iOS हो गया, ये सब के लिए लॉन्च है। ये मतलब कि जो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के लिए ये अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये मोबाइल वर्जन में ही अभी अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको अपने मोबाइल के अंदर कर नहीं पा रहे हैं। उन लोग जब अपना मोबाइल में इस सेटिंग को ऑन करने जाते हैं तो आप उन लोग को एरर दिखता है या फिर जो विजिटिंग कार्ड बनाने का जो वहाँ से जो सेक्शन आता है वो वहाँ पे उन लोग के मोबाइल में नहीं खुलता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल के अंदर इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने इस सेटिंग को ऑन नहीं किया है तो आपके मोबाइल में ये जो विजिटिंग कार्ड वाला सेक्शन है गूगल पर सर्च करने के बाद आपको मोबाइल में ये नहीं खुलेगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गूगल पे विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पहले ये हम जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। इसमें सबसे पहले आपके पास एक पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए, जो हमारा जीमेल आईडी है एक पर्सनल होना चाहिए, और आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए या फिर टैबलेट होना चाहिए, और आईफोन या आईपैड भी होगा तो चलेगा। तीसरे नंबर पर यह है कि आपके पास आपके मोबाइल में एक ब्राउज़र होना चाहिए, और चौथे नंबर पर है आपके जो जीमेल आईडी है उसका जो वेब एंड ऐप एक्टिविटी है उसको टर्न ऑन रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने विजिटिंग कार्ड जो कि गूगल पे बना सकते हैं। गूगल इस विजिटिंग कार्ड को जो सेक्शन है इसको गूगल अपने भाषा में पीपल कार्ड बोलता है, जो कि गूगल पे अवेलेबल रहेगा, इसको गूगल पीपल कार्ड बोलता है। गूगल के ऊपर अपना विजिटिंग कार्ड मतलब कि पीपल कार्ड बनाने के लिए आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम या फिर किसी भी ब्राउज़र के अंदर चले जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पे आपको यहाँ पे ऐड मी टू सर्च लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऐड योर सेल्फ टू गूगल सर्च, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप यहाँ से व्यू एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि आपका जो विजिटिंग कार्ड मतलब जो पीपल कार्ड बनेगा वो किस तरह दिखेगा। आप यहाँ पे व्यू एग्जांपल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका नाम रहेगा, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, और आपके इंस्ट्रक्ट मतलब कि आपके अबाउट सेक्शन में रहेगा आप क्या वर्क करते हैं, एजुकेशन, होम टाउन, और आपका वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पे आपके जो सोशल मीडिया है उनके यहाँ पे लिंक रहेगा। आप ऐसे ही अपना बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड लिखा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए आपको गूगल क्रोम के अंदर उस अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा जिसके आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं। तो आप पहले उसको लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद एड मी टू सर्च लिख के वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट अ पब्लिक प्रोफाइल। ये आप जो यहाँ से विजिटिंग कार्ड बनाएंगे इसको गूगल पब्लिक कार्ड बोलता है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्रिएट योर पब्लिक कार्ड। और ये कार्ड ऐसा होगा कि जो कि पब्लिक होगा, में जो कुछ भी है इसके अंदर सेव करके और लिख सकते हैं जिससे कि लोगों को पता चल गया पाएगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं। तो अब यहाँ से मैं सिंपली इसको ओके गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा लेना है, यहाँ पे चेंज अवतार लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो इमेज है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है नेम पे, और अब मैं अब बता दूँ यहाँ पे स्टार वाला जो सेक्शन है
जैसे यहाँ पे नेम लिखा है, इसके बाद स्टार बना है, तो ये सब कंपलसरी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे लिखा है स्टार, मतलब कि रिक्वायर्ड है। ये सब आपको यहाँ पे डालना ही है। आप यहाँ से इसको लोकेशन डाल सकते हैं, आप अपने बारे में अबाउट सेक्शन में डाल सकते हैं, ऑक्यूपेशन मतलब कि आप क्या काम करते हैं, तो वो भी यहाँ से डाल सकते हैं। अपना वर्क, एजुकेशन, होम टाउन, वेबसाइट, सोशल प्रोफाइल, ईमेल, फ़ोन नंबर, आप सब यहां से डाल सकते हैं। सोशल प्रोफाइल आप यहां पे जैसे टैप करेंगे तो आपको यहां पे सेलेक्ट सोशल प्रोफाइल, अब यहां पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप यहां से अपने फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये और हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, यहां से आप इतने सारे जो हैं सोशल प्रोफाइल इसको यहां पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहां से यूट्यूब पे ऐड करता हूं। यूट्यूब पे ऐड करने के बाद यहां से जो मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, और यहां से आप देखेंगे मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे जो सोशल प्रोफाइल के नीचे YouTube का है वो आइकन बन गया है। फ़ोन नंबर पे आपको यहाँ पे क्लिक करके जो पेंसिल वाला आइकन है इसको क्लिक करना है। इस करने के बाद आपको यहाँ से अपना कंट्री कोड डाल के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, मैं आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर बताता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा जो कि एक कोड होगा, उस कोड को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इस कोड को इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद मोबाइल नंबर आपका ऐड हो जाने के बाद आप यहां से प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपका जो बना है वो किस तरह दिखेगा। मैं यहां पे प्रीव्यू पे क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे जैसे कि लिखा है शांतनु सैलाब, सिंगर, सॉन्ग राइटर, सूरत गुजरात, नमस्कार दोस्तों, ये सब लिखा है, और यहां पे उसके यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, और यहां से ये सब दिख रहा है। तो मैं यहां पे लिखा है दिस इज़ हाउ यू सर्च कार्ड विल लुक। अब मान लीजिए कि आपको किसी आदमी कोई सर्च करता है तो किस तरह उसको दिखेगा, तो ये सैंपल ऐसे बता रहा है। अब मैं यहाँ से सिंपली इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पे लिखा है योर सर्च कार हैज बीन अपडेटेड एंड विल अपीयर इन सर्च रिजल्ट शॉर्टली, मतलब कुछ समय लगेगा कि जैसे कि अब ये समय आधा घंटा भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है, और ये समय लेने के बाद आपका जो पीपल कार्ड है वो बन जाएगा और वो गूगल के ऊपर शो होने लगा। और उसके बाद से जब कोई भी आपके नाम को गूगल पे सर्च करेगा तो उसको इस तरह से दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे जो मैंने अबाउट सेक्शन में लिखा है वो उसको पढ़ के जानकारी हासिल कर सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके मोबाइल में ये जो सेटिंग मैंने अभी आप बताया है मोबाइल पे, ये आपके ऊपर आपके मोबाइल के अंदर काम ना करे। क्यों? क्योंकि इसमें एक बग चल रहा है, गूगल है उसके अंदर एक बग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपने मैंने जब आपको बताया कि व्हाट यू नीड, मतलब कि हमको क्या क्या करना पड़ेगा जिससे कि हम इस पीपल कार्ड को बना पाएंगे, उसमें ऐसा लिखा गया है कि अपने वेब एंड ऐप एक्टिविटी को टर्न ऑन करके रखना है। लेकिन जब आप इसको टर्न ऑन करके रखेंगे तो ये जो हमारा पीपल कार्ड वाला सेक्शन है वो ओपन ही नहीं होगा, मतलब कि जो आपने मैं जिसे मोबाइल में बताया कि यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके आ जाएगा, जब आप उसको वेब एंड ऐप एक्टिविटी को ऑन रखेंगे तब ये ऑप्शन आपके पास आएगा ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, आप परेशान हो जाएंगे कैसे क्या होगा। लेकिन आप जैसे ही वेब एंड ऐप एक्टिविटी को बंद कर देते हैं और उसके बाद जब गूगल के सर्च बार में एड मी टू सर्च करके लिख के सर्च करेंगे तब आपको जो हमारा गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन है वो मिल जाएगा और आप वहां से इसको कर सकते हो। ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से आ रही है, अभी पता नहीं क्या हुआ, गूगल ने शायद इसको सॉल्व करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी तो यही बात है। अगर आपके मोबाइल में ये सेक्शन नहीं खुल रहा है, पीपल कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो आप एक बार अपने वेब एंड ऐप एक्टिविटी को बंद करके देखिए, उसके बाद ये बन जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।